Yes, good morning, everyone. उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम बढ़िया से हैं सब जने, ठीक है। एंड एग्जामिनेशन देने से पहले वैक्सीनेशन जरूर करा लेना, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जामिनेशन काफ़ी पास आ गया है और मैं होप करता हूँ कि आप एक सिंसियर बच्चा हो, वही कर दो जो आपको फिलहाल करनी चाहिए, यानी कि बहुत पढ़ाई कर रहे हो, है ना। हम लोग आज इस वीडियो में क्यों मिले हैं, तो इस वीडियो में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग फॉर वन डे बिफोर एग्जाम। यानी कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले हर एक पेपर में आपको छुट्टी मिलता है कि नहीं, ब्रेक मिलता है एक एक दिन की। आप खुद से इफेक्टिवली बोलूँ तो 1.5 डेज आपको स्टडी करने के लिए मिलेगा। हाँ, किसी पेपर में अगर 2 दिन हॉलीडे है तो 2.5 डेज हो गया। बच्चा सोच रहा होगा हाफ डेज किस चीज़ का जोड़ रहे हो सर, हम तो शाम को आगे पढ़ते ही नहीं, बस एक दिन जो अगले दिन होता है उसी दिन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, थोड़ा सा शाम के आके भी पढ़ा करो, और जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन भी तो आपको सुबह में समय मिलता है, वहाँ भी पढ़ा। वन डे बिफोर एग्जामिनेशन तो आप पूरी टाइम इफेक्टिवली यूज कर दोगे, तब भी आपको लगेगा कि मुझसे कुछ रह गया, ठीक। तो मैं मान के चलता हूँ कि इतना टाइम आपको मिलता है 1.5 डेज, अगर एक पेपर में 2 डेज हो लेते तो 2.5 डेज। चलो देखो, थोड़ी सी स्मार्ट ट्रिक प्ले करना बहुत जरूरी है वन डे एग्जामिनेशन की। अभी होगा क्या कि मान लो 3 मंथ पहले आप जो पढ़ते थे ना, 3 मंथ पहले हो सकता है एक पेपर 10 डेज लगा के रिवीजन करते थे, है कि नहीं, क्योंकि उस समय आपके पास टाइम ही टाइम था। 1 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन इंसान एक पेपर 3 डेज 2 डेज 2-3 डेज लगा के रिवीजन करता है, बट अगर मैं एग्जाम ड्यूरेशन की बात करूँ तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप पढ़ो ना पढ़ो, आपके पास फिक्स एक डेज है कि 1.5 डेज में आपको पढ़ना है, उसी में पेपर देना है। और देखो, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आप पीछे कितना भी पढ़ लो दैट इज गुड, लेकिन अगर आप 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन नहीं पढ़ रहे ना, वहां पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप कितना भी अच्छे से पढ़े और 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, ठीक। तो 1 डे बिफोर रिवीजन एग्जाम आपको रिवीजन अच्छे से कर, उसके लिए 2-3 चीज जरूरी है। पहला, ये आपको फुल कवर करना है सिलेबस को। ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर अच्छे से मतलब कॉन्फिडेंटली एग्जाम में जाना है तो सिलेबस फुल कवर होनी चाहिए। आधा चैप्टर पढ़े हो आधा चैप्टर नहीं पढ़े हो, आपको डर तो लगेगा, सीए की एग्जामिनेशन है, ठीक। फुल चैप्टर इतने कम समय में करने के लिए कि पूरी सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर है सब कवर है, आपको थोड़ा सा कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें पहला चीज है कि टाइम सेविंग करने के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना जरूरी। टाइम बचाना है तो कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। उस दिन बैठ के अगर कंसेप्ट को आपको दिमाग में कंसेप्ट मैसअप हो रहा है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, फिर टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा सोचते सोचते कि इसमें क्या पढ़ा था मैंने, क्या सोचा था मैंने। अभी टाइम है, कोई भी कंसेप्ट में दिक्कत है कंसेप्चुअल क्लियरिटी कर लो, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। उस समय तो बस फटाफट कंसेप्ट को देखा और फटाफट हाँ हाँ कंसेप्ट याद आ गया। जो मैक्सिमम टाइम लगाना है वो क्वेश्चन देखने में लगाना है, स्कैनिंग, और बैठ के बनाना नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ स्कैनिंग करना है। जितना बनाना है अभी बनाओ, एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ क्वेश्चन को स्कैन करो, थोड़ा बहुत कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर लिया, पर फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं बना रहे कि बैठ के क्वेश्चन बना रहे, ऐसे तो 2-3 ही चैप्टर पढ़ोगे और वो दिन निकल जाएगा, है कि नहीं। कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आप एक काम करो, रिवीजन लेक्चर को बार बार देखो। देखो, सबके साथ ऐसा होता है कि किसी चीज को आप एक बार देख लिए ना, उस चीज को समझने के लिए दूसरी बार फास्ट मोड में भी देख सकते हो, स्टिल आपको एकदम समझ में आएगा। समझ रहे हो? तो अगर 1 घंटे की रिवीजन लेक्चर है 1 आवर्स की, जिसमें मैंने एकदम कोशिश किया है कि हर एक चीज कवर कर दूं और सब चीज कवर है 100%,
जो एग्जाम में आएगा सबको पढ़ेगा। उसी एक घंटे में मैंने क्वेश्चन को भी आपको क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराया है, हर एक वैरायटी के क्वेश्चन, जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन कराया है। ये आप अगर रिविजन लेक्चर देखे हो तो आपको पता ही होगा। सेकेंड टाइम इसको पढ़ोगे तो ऑब्वियसली 1.5 की स्पीड पे पढ़ो, 2 की स्पीड पे पढ़ो, तो ये ड्यूरेशन 30-40 मिनट्स में आ जाएगा, है कि नहीं। और वन डे बिफोर एग्जामिनेशन इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा कि रेस्ट करते करते एक चैप्टर खत्म कर दिया, कॉन्सेप्ट देख के, प्लस 7-8 क्वेश्चन भी देख के, उस क्वेश्चन को दोबारा देखोगे एक सेकंड में स्कैनिंग हो जाएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन तो हम रिविजन लेक्चर में ही बना रहे हैं ना। तो पहली बात तो ये रिविजन लेक्चर देखो, फास्ट मोड में देखो, एक बार अगर देख चुके हो तो थोड़ा फास्ट करके देखो, कान में एयरफोन लगा लो, बार बार देखते रहो, रेस्ट कर रहे हो रिविजन लेक्चर चला लिया, खाना खा रहे हैं रिविजन लेक्चर चला लिया, हर एक अनप्रोडक्टिव टाइम में रिविजन लेक्चर चला लो। जहाँ पे आप स्टडी टेबल पे नहीं बैठे हो, कहीं पे अलग जगह पे हो, जहाँ पे आपके पास बुक कॉपी नहीं है, रिविजन लेक्चर चला लो मोबाइल में, है कि नहीं। चलो सेकेंड थिंग है कुछ सैंपल क्वेश्चंस, जिसको मैं कहता हूं मस्ट डू लिस्ट, कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर में आए हैं, आने की एकदम प्रोबेबिलिटी है, और थर्डली कि क्वेश्चन वो सारे करने के बाद कंसेप्ट सारे कवर हो जाए, क्योंकि आपका मकसद ये भी तो है कि कंसेप्चुअल रिवीजन करने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन देखो कि सब कंसेप्ट पे मेरा हाथ साफ हो जाए, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अभी आपने कोई चीज पढ़ी उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा, हाँ बन रहा है क्वेश्चन, ओके ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं। अब आ जाओ जरा एग्जाम पैटर्न, अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो 6 क्वेश्चन आएंगे आपको, क्वेश्चन नंबर 1, तो 4 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स इच, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 टोटल 4 क्वेश्चन हुए, इसमें हर एक में 2 क्वेश्चन होता है पार्ट ए पार्ट बी, तो टोटल 8 क्वेश्चन हुए, ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये तो थ्योरी है, थ्योरी के लिए अदरवाइज कुछ करना ही नहीं है, थ्योरी का एक लेक्चर देख लेना है, किस दिन देखना है, वन डे बिफोर एग्जामिनेशन में ना, पहले प्रैक्टिकल पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन सुबह में आपकी एग्जाम है ना, एग्जामिनेशन तो 2 बजे के आसपास होता है, तो दिन में एग्जाम है, सुबह में उठो आराम से थ्योरी लेक्चर को एयरफोन लगाओ, सुन लो, काम बन जाएगा। अभी हाल फिलहाल एक दो बार सुन लोगे तो उस समय तो एक ही बार सुनोगे, आराम से आपको लगेगा कि यस आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, और आराम से आपको थ्योरी क्वेश्चन भी कॉन्फिडेंट होगा। थ्योरी क्वेश्चन भी देखना इसलिए जरूरी है, कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसा हो गया कि आपसे मिस्टेक हो गई, आपको नहीं आ रहा, या कोई ऐसी चीज जो आप रिवीजन नहीं कर पाए थे छूट गया और वैसा आ गया, कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन छोड़ने पड़ सकते हैं, ठीक। पार्ट ए आ रहा है पार्ट बी नहीं आ रहा, तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है 10 मार्क्स का नहीं आ रहा, उससे बेहतर है कि 20 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो चलो, तो टोटल ये हुए 4 क्वेश्चन प्लस 8 क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस, है ना। टोटल चैप्टर कितना है जिसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, सर चैप्टर है 14 चैप्टर्स में से 12 क्वेश्चन पूछने हैं, यानी कि 12 चैप्टर में से तो क्वेश्चन पूछेगा इंस्टीट्यूट, और हमेशा ही पूछता है 2 चैप्टर स्किप करेगा, ओके। कौन से ऐसे 2 चैप्टर है जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि स्किप करने का, ये भी देखेंगे कि कौन सा मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों चैप्टर से नहीं आएगा क्वेश्चन इस बार। और जो भी 12 चैप्टर है जिनमें से क्वेश्चन आएगा तो किस वैरायटी पे क्वेश्चन आनी चाहिए, ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, है ना। चल आ जाओ जरा, पहले देखते हैं मटेरियल। देखो जैन 21 में मटेरियल से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। इस अटेम्प्ट के लिए मटेरियल वेरी वेरी मटेरियल कॉस्ट से क्वेश्चन आएगा, पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आया था, इससे क्वेश्चन आता ही रहता है और इससे क्वेश्चन आएगा इस बार, ओके। नवंबर 20 एक अटेम्प्ट पहले क्या आया था, ईओक्यू के क्वेश्चन आया था। अच्छा बताओ मटेरियल में मटेरियल में कितने वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं,
तो एक तो ईओक्यू पे आ सकता है, दूसरा इन्वेंट्री लेवल पे आ सकता है, थर्ड स्टोर लेजर पे आ सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, पूरी लेक्चर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ही बात करेंगे। थ्योरी क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन सुबह में लेक्चर देख लेना एक बारी आराम से। ठीक है चलो। तो तीन इन्वेंट्री लेवल की, मैक्सिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल जो आप पढ़े हो ना उस पर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ईओक्यू पे आ सकता है, या फिर स्टोर लेवल पे आ सकता है ना। चलो, नवंबर 20 में ईओक्यू पे आ चुका है। एक तो इस अटेम्प्ट में आएगा आएगा मटेरियल से क्वेश्चन। मैं ऐसा तो नहीं बोलता कि ईओक्यू से आ गया है तो ईओक्यू पे नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि जिस पे आया है उस पे आ जाए क्वेश्चन, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है इन्वेंट्री लेवल पे प्रोबेबिलिटी हाई है। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। ठीक, तीन वेराइटी के क्वेश्चन है, तीनों वेराइटी के क्वेश्चन मैंने टिक कर रखे हैं, आपको करना है। 5-7 क्वेश्चन पे स्कैन करोगे पर चैप्टर, 2-2 मिनट तो लगेगा आपको, अगर आपको सारा चीज क्लियर है तो देखने में। सॉल्यूशन आप देखना, कैलकुलेटर लेना, खुद से देखना कि हाँ मुझसे भी बन रहा है कि नहीं। एकदम बैठ के करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा वन डे बिफोर एग्जामिनेशन, बस आपको स्कैनिंग करनी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि वैसे तो आप जो भी क्वेश्चन मैंने टिक कराए सब पे ही कराए, बट प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है कि इन्वेंट्री लेवल पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक, चलो आ जाओ। तीनों वेराइटी के क्वेश्चन कर लोगे, कोई ऐसी डाउट की बात ही नहीं आएगी, आपको डर ही नहीं लगेगा जब सारे। अच्छा देखो, वैसे तो मैंने मैक्सिमम जो क्वेश्चन टिक किया है उसमें कितने क्वेश्चन रिवीजन लेक्चर में करा दिया है, तो रिवीजन लेक्चर देखोगे तो उस क्वेश्चन का तो बार बार ऐसे ही तुम्हारा मतलब पकड़ बन जाएगा, है कि नहीं, तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी रिवीजन लेक्चर में किया था, 5 किया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 ये जरूर करना, जो भी यहाँ रेड मार्क्स है ना, रेड मार्क्स क्वेश्चन नंबर 6 आप भी मार्क करते जाओ। ठीक है, ये अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है, एंड इंस्टीट्यूट का भी इलस्ट्रेशन 6 है। ठीक, क्वेश्चन फ्रॉम स्टडी मटेरियल में इलस्ट्रेशन 6 है, इंस्टीट्यूट का भी इलस्ट्रेशन 6 है, इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री लेवल। फिर एक 7 नंबर, ये 2 नंबर कर लेना टेस्ट योर नॉलेज का। ठीक है, 4 नंबर कर लेना, ये भी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इन्वेंट्री लेवल का। अच्छा एक बात बताओ, ये पता है ये सारे बुक्स, अगर आपको नहीं पता हो तो सारे बुक्स कहाँ पे है, तो सारे बुक्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आराम से वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज नोट्स है, जो जो चैप्टर का रिविजन लेक्चर जब डलिए उसके बाद उसका नोट्स भी डला हुआ होगा, है कि नहीं। तो ऐसी कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। 5 का ए नंबर देखो, ये टैक्सी लिमिटेड ईओक्यू का क्वेश्चन है, लेकिन कौन सा वाला क्वेश्चन है। ईओक्यू में मैंने 2 पढ़ाया था ना, याद करो रिवीजन लेक्चर, एक तो फॉर्मूला मेथड, सेकेंड इज ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसको टेबुलर मेथड भी बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड का क्वेश्चन है। ठीक, ऐसे ही आप ये छोटा सा क्वेश्चन है बुक में नहीं है आपके, पर ये कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एडिशनल क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 एडिशनल क्वेश्चन का, इसका देखो इसका जो पार्ट 3 है ना, ये थोड़ा जरूर देखना, पार्ट 3 थर्ड वाला पोर्शन। वैसे मैंने ये करा रखा है रिवीजन लेक्चर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना, ये भी हमने रिवीजन लेक्चर में कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 का भी पार्ट 4 देख लेना, पार्ट 4 ही इंपॉर्टेंट है, तो 1-3 आप आराम से कर लोगे। तो वैसे देख लेना, सारा ही देख लेना, पर 4 पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 7 याद होगा मैंने ये रिवीजन लेक्चर में कराया है, रिवीजन लेक्चर में ऑटोमेटिकली कवर्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 पता है आरटीपी में आया हुआ क्वेश्चन था, ऑलरेडी मैंने बुक में इंक्लूड किया था, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अगर आप मेरे बुक से प्रैक्टिस करे होंगे तो आरटीपी आपको नया नहीं लगा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी इंक्लूडेड है बुक में, आरटीपी में तो बाद में आया, पहले पुराने सिलेबस में आता था ये क्वेश्चन कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है पास्ट में। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन टिक कर लूं एडिशनल क्वेश्चन के 9 नंबर था ये। चलो इन्वेंट्री रेशियो पे, इस पे भी एक क्वेश्चन देख लेना,
मई 18 का हमने किया था, यही देख लेना इन्वेंट्री रेशियो, वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट, सिंपल क्वेश्चन आता है। फिर आते हैं मटेरियल प्राइसिंग एंड स्टोर लेजर, करना क्या है आपको, एक क्वेश्चन जैसे पास्ट का ये क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, हमने किया हुआ ये क्वेश्चन, मैक्सिमम मैंने कोशिश किया है कि अगर वैसा क्वेश्चन हो पाए जो हमने रिविजन लेक्चर में कवर्ड किया है और उस वेराइटी को इंडिकेट करता है, मैंने उस चीज को रखा है यहाँ पे। चलो यह हुआ क्वेश्चन है, यहाँ से लिफो और वेटेड एवरेज से पूछ रहा है, मैं कहता हूँ फीफो से भी एक बार करके देख लेना, ठीक है, तो रिविजन लेक्चर में ऐसे भी आपको रिवाइज हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलो इतना क्वेश्चन जरूर से जरूर आप देख के जाना, ठीक, मटेरियल कॉस्टिंग मुझे लगता है कि 100% आने वाला है। अगला आ जाओ, देखो इम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट, जैन 21 में क्वेश्चन आया था इंसेंटिव स्कीम पे, ठीक। तीन वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ये लिख ही रखा है मैंने, इंसेंटिव स्कीम पे आया है क्वेश्चन, लेबर पे ऐसा नहीं कि आया है तो नहीं आएगा, इस अटेम्प्ट में भी मुझे लगता है लेबर पे क्वेश्चन आएगा। तो दो चैप्टर है ना जो मुझे लगता है कि इससे नहीं आने चाहिए, वो मैं आपको वहां पे बता दूंगा, ठीक है। तो लेबर पे क्वेश्चन आनी चाहिए, और देखो इंसेंटिव स्कीम पे अगर क्वेश्चन पूछ चुका है ना, इस पे तीन वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, अगला लेबर कॉस्ट, इफेक्टिव लेबर कॉस्ट बताइए या फिर अर्निंग फॉर एम्प्लॉय बताइए, ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन, ठीक, ये भी हमने पढ़ा है रिविजन लेक्चर में। और लेबर टर्नओवर, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड, फ्लॉक्स मेथड, इन दोनों पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इंसेंटिव स्कीम पे क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चन टिक किया है जो कवर कर दे इन सबको, इंसेंटिव स्कीम को भी एक बार देख लेना, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, ज्यादा चांसेस कहाँ लगते हैं मुझे, तो प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है कि लेबर कॉस्ट और लेबर टर्न ओवर पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। चलो अच्छा, ये एक ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम, लेबर कॉस्ट में ही मैंने इस क्वेश्चन को डाल रखा है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, टिक भी कर रखा है, और उस दिन किसी बच्चे ने पूछा था तो मैंने इसको करवाया भी था। फिर एक ये 20 का बी नंबर देख लेना, नवंबर 20 का बी नंबर, ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये नवंबर 18 क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ये भी देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। एनुअल कॉस्ट ऑफ इच एम्प्लॉय पूछा है, और एम्प्लॉय कॉस्ट पर आवर, चलो इंसेंटिव स्कीम पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन पूछा है जैन 21 में, चलो इंसेंटिव स्कीम पे क्वेश्चन ये देख लेना, क्वेश्चन नंबर 3 एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जिस्टिंग स्ट्रेट पीस रेट हलसे एंड रोवन, इस पे पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेना, सारा ही कवर हो जाएगा उसी में। ऐसे ही क्वेश्चन करने की कोशिश करो जिसमें लगभग सब कॉन्सेप्ट भी कवर हो, प्लस पास्ट ईयर में आया हुआ है और पॉसिबिलिटी है। चलो इंसेंटिव स्कीम का एक और क्वेश्चन देख लेना, ये हलसे रोवन के निकालने वाला है, चांसेस कम है इंसेंटिव स्कीम पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चांसेस ज्यादा है लेबर टर्नओवर का और लेबर कॉस्ट का, ठीक, उन्हीं में से आनी चाहिए, चांसेस की तो क्या बात करूं मैं, ठीक है, लेकिन तब भी इंसेंटिव स्कीम देखना, ऐसा बिल्कुल होता है कि जिसपे पिछले अटेम्प्ट में पूछा है इस अटेम्प्ट में भी सेम उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है, इंस्टीट्यूट है कुछ नहीं बता सकते। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। लेबर टर्नओवर पे देखो, लेबर टर्नओवर पे तो लगभग सारा ही क्वेश्चन मैंने रिविजन लेक्चर में करा रखा है, सारा क्वेश्चन देख लेना, चार पांच क्वेश्चन तो है, चार पांच वैरायटी के, तो मैंने 4, 5 सॉरी इलस्ट्रेशन 14, 15 पास्ट ईयर के भी ये क्वेश्चन जो है टिक कर रखा है, अच्छा एडिशनल क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन टिक कर रखा होगा, चलो कोई नहीं, एडिशनल क्वेश्चन में टिक नहीं कर रखा, जो क्वेश्चन है सारा ही देख लेना, लेबर टर्नओवर तो छोटा सा कंसेप्ट है, फटाफट देख के खत्म, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, अगला आते हैं ओवरहेड पे। ओवरहेड से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा,
तो ओवर एट चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक। क्वेश्चन ना आने का कोई ऐसा सवाल नहीं है। नवंबर 21 में मशीन ओवर एट पे क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 1 का बी, 5 मार्क्स का। अगला जो प्रोबेबिलिटी बनता है, एक तो देखो प्रैक्टिकल में बच गया अंडर ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट, जो सप्लीमेंट्री रेट वाला कुछ याद आ रहा है। दूसरा प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट नवंबर 20 में, जैन 21 में तो आया था मशीन और रेट, नवंबर 20 में आया था प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पर उससे ज्यादा मुझे लगता है हाई प्रोबेबिलिटी ये बोलू तो अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवर रेट। सिंपल सा एक क्वेश्चन देख लोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, बहुत क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं। तो मैं कहूंगा एक इस पे देख लो प्राइमरी एंड सेकेंडरी की, ये भी रिविजन करोगे तो कवर हो जाएगा, ठीक। इसमें भी सेकेंडरी कौन सा, अल्जेब्रिक मेथड या सिमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ओके। अंडर ओवर रिकवरी का सिर्फ एक क्वेश्चन देखो जिसमें कवर हो जाए सारे पॉइंट। एक बेसिक स्ट्रक्चर ही तो है कि अंडर ओवर रिकवरी निकालना है, अब नॉर्मल कॉस्टिंग फीएल में जाएगा, और बैलेंस वाला जो है सप्लीमेंट्री रेट निकाल के बांट देना है कि नहीं। और मशीन आवर रेट वैसे तो आ चुका है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तब भी देख लेना, छोटा सा ही तो कंसेप्ट है। तीन वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, तीनों वैरायटी का देख लेना। बट एक नहीं होता कि कौन सी चीज आपको बिल्कुल भी टिप्स पे याद होनी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, इसके चांसेस मुझे बहुत ज्यादा लगे। आओ जरा कुछ क्वेश्चन मैं दे दूं, आप ने टिक कर रखा है आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। हाँ चलो देखो एक क्वेश्चन है नवंबर, ये नवंबर 20 का 10 मार्क्स का प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये कर लोगे तो एक नहीं होता कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद हो जाएगा। ऐसे भी आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जब रिविजन करोगे तो एक क्वेश्चन पे करोगे कि एक क्वेश्चन, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कंसेप्ट पता है और एक क्वेश्चन पे इंसान देख लेना तो लगभग हो जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किसी बेसिस पे बांटने हैं, बेसिस पता होना चाहिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का भी। चलो मशीन ओवरहेड सिंपल सा है, मशीन का ओवरहेड निकालना है और इफेक्टिव आवर से डिवाइड कर देना है। मशीन ओवरहेड पे पूछा तो था, तो चांसेस बहुत कम बनते हैं, तब भी मैं एक दो क्वेश्चन हाईलाइट करता हूँ, ये देख के जाना। एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पास्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो दो ही क्वेश्चन है एडिशनल क्वेश्चन का 1-2 जो मैं बोलता हूँ जरूर से जरूर मस्ट डू देख के जाना है, और एक क्वेश्चन मैंने प्राइमरी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का भी टिक करवाया, वो भी देख के जाना है। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एंड ओवर हेड, इसमें आप एक क्वेश्चन टिक कर लो। एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, रिवीजन लेक्चर में बस। एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देख के जाना। एक क्वेश्चन अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवर हेड पे मुझे तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रख लेगी कि इस पे क्वेश्चन आएगा। मिसेलेनियस में 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, वैसे मैंने करा रखे हैं रिवीजन लेक्चर में, आपको देख लेना है रिवीजन लेक्चर में, ऐसे ही कवर हो जाए। अगले चैप्टर पे आओ। चलो मार्जिनल देखो। मार्जिनल में आज सच मेरे बताने लायक तो कुछ नहीं है, बस ये है कि सारे ही अटेम्प्ट में मार्जिनल से क्वेश्चन आता है, हर एक अटेम्प्ट में, ओल्ड वाले बच्चों के लिए भी, न्यू वाले बच्चों के लिए। वैसे ये वीडियो तो न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए है, ठीक, कॉस्टिंग के लिए, ठीक। पर एक बात बोल रहा हूँ, मार्जिनल इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि दोनों सिलेबस में कॉन्स्टेंटली आता है। जैन 21 में भी आया था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 का है, ठीक। क्या इस अटेम्प्ट में आएगा? 100% आएगा, ठीक। और मार्जिनल में कुछ फॉर्मूला है, रिवीजन लेक्चर देखोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा रिवीजन लेक्चर में। अच्छा इसमें पता है पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी करके मैंने बना रखा है, पार्ट ए में सिंपल क्वेश्चन, पार्ट बी में थोड़ा यूनिक क्वेश्चन, पार्ट सी में क्या है कॉस्ट इन डिफरेंस पॉइंट एंड शट डाउन पॉइंट। पार्ट डी जो है ना वो आपको इग्नोर करना है, पार्ट डी में जो क्वेश्चन है
कि प्रॉफिट कैलकुलेट करिए मार्जिनल के हिसाब से, ऑब्जॉर्प्शन के हिसाब से। ये टॉपिक हमने पढ़ी तो है, ठीक है, रिविजन लेक्चर में, बट यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पार्ट डी इरिलीवेंट लगता है, इसको इग्नोर करना है। रिविजन लेक्चर देखने के बाद आपको पार्ट बी एंड पार्ट सी से, पार्ट ए बी सी से क्वेश्चन देखना है, ठीक। तो इसमें मैं आज सच तो कुछ क्वेश्चन आपको टिक कराता हूँ, ये तो जरूरी करना, थोड़ा बहुत इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन आपको करना है, ठीक। ये तो मिनिमम क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद भी थोड़े थोड़े आपको कोशिश करना है कि टाइम निकाल के देखना है। इसके लिए तभी पॉसिबल है जब आपको पूरी कंसेप्ट याद है, तभी तो आप क्वेश्चन के लिए टाइम निकाल पाओगे, है ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, देख लो। जो भी क्वेश्चन है ना टिक किया हुआ है, सारा हमने रिवीजन लेक्चर में किया है। अच्छा, एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर यहाँ देख लो, पेज नंबर में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो दिस इज द पेज नंबर, चैप्टर 13 पेज नंबर 14। क्वेश्चन नंबर थ्री एडिशनल क्वेश्चन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट देख लेना। देखो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता नहीं रहा हूँ, पर रिवीजन लेक्चर में कवर है, रिवीजन लेक्चर को जरूर देखना है, वहां भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर है। मैं मान के चलता हूँ रिवीजन लेक्चर आप देख रहे हो, रिवीजन लेक्चर देखोगे तो उसके क्वेश्चन तो कवर हो ही जाएंगे, प्लस ये कुछ एडिशनल क्वेश्चन है जो कुछ कुछ क्वेश्चन रिवीजन लेक्चर में नहीं कवर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर एट एडिशनल क्वेश्चन का, चलो। और ये तो पार्ट सी आ गया, ये भी थोड़ा देख लेना, पार्ट सी में तो मैंने क्वेश्चन करा ही रखा है तो कवर हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आएगा 100% आएगा। पार्ट डी इग्नोर करना है, पार्ट डी के रिलेटेड आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, एक बार जरूर देख लेना रिवीजन लेक्चर कि अगर आ भी जाए तो आपसे बन जाए, है कि नहीं, पर उसको बना के समय वेस्ट नहीं करना, आना जरूर चाहिए, आने को कुछ भी आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ जो भी आपके सिलेबस में कुछ भी आ सकता है, पर इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, है कि नहीं। अगर क्वेश्चन सेट करने वाले मैं हूं तो मैं क्या प्रोबेबिलिटी से सेट करूंगा, कैसा क्वेश्चन पूछना चाहिए, बस ये। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसमें तो कोई वैरायटी नहीं है, हमेशा क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा कि ओवरहेड निकाल के बताइए प्रोडक्ट पे कितना चार्ज होना चाहिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अनुसार, एंड ट्रेडिशनल या फिर ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अनुसार, दोनों अलग अलग। बाद में एक दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, एडिशनल किसमें कॉस्ट ज्यादा चार्ज हो रहा है या कम चार्ज हो रहा है, ये बताओ, ठीक। तो सारे क्वेश्चन का सेम वेराइटी है, कोई अलग वेराइटी नहीं है, एक कोई सा भी क्वेश्चन देख लोगे ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा, ठीक। हर एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, इस अटेम्प्ट में भी आएगा, 100% आएगा, 10 मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोई क्वेश्चन देख लो, चलो ये नवंबर 18, अच्छा क्वेश्चन आया था नवंबर 18 में, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेना आप। अच्छा एक ये एडिशनल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया है, ये भी देख लेना, बस एक दो क्वेश्चन देख लो, काम बन जाएगी। इसमें आज सच कुछ नहीं है बताने वाला, क्योंकि इसमें सारा क्वेश्चन ही सेम वैरायटी पे आता है कि ऑब्जॉर्प्शन के अनुसार बताओ, एबीसी के अनुसार ओवरहेड बताओ, एक्स्ट्रा कितना कॉस्ट चार्ज हो गया दोनों में, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन वैरायटी देख लेना, एक दो क्वेश्चन पे अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करके प्रैक्टिस कर लोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। चलो प्रोसेस कॉस्टिंग, जेन 21 में आया था 5 मार्क्स का, फीफो मेथड पे आया था। अब पॉसिबिलिटी क्या है,
सर वेटेड एवरेज मेथड पे भी आ सकता है, एक विदाउट डब्ल्यू आई पी वाला क्वेश्चन आ सकता है कि ओपनिंग दिया ही नहीं है, तब तो सिंपल हो गया ना, ओपनिंग नहीं दिया तो हिपो वेटेड एवरेज लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे वेटेड एवरेज का कंसेप्ट था वैसे टाइप का ही बनता है कि नहीं कोई झंझट ही नहीं हुआ वैल्यूएशन का। और एक हो सकता है इंटर प्रोसेस वाला, कि प्रोसेस ए से बी में गया, बी से फिनिश गुड्स बना, और स्पेशली इंटर प्रोसेस में क्या प्रॉफिट चार्ज होके अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे भी क्वेश्चन हमने चार वेरायटी में क्वेश्चन को बांटा है ए बी सी डी करके, ठीक एक में कोई वैल्यूएशन नॉर्म्स नहीं है, यानी कि लिफो फिफो लगाने की जरूरत ही नहीं है, ना तो फिफो मेथड ना वेटेड एवरेज, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी नहीं, दूसरा फिफो, थर्ड वेटेड एवरेज, और फोर्थ में इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी पे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ज्यादा चांसेस है कि फिफो पूछ चुका है, नहीं पूछेगा, वेटेड एवरेज को एक नंबर पे रखना, ठीक, और ये दोनों को जो है ना इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड विदाउट डब्ल्यू आई पी वाले क्वेश्चन, इनको थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी में रखना, वेटेड एवरेज को थोड़ा हाई प्रोबेबिलिटी में रखना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन टिक कर लो। एक तो पार्ट ए का यही क्वेश्चन टिक कर लो, नवंबर 19 का, दूसरा मे 18 का क्वेश्चन टिक कर लो, एडिशनल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 टिक कर लो। ठीक है, फिर आते हैं फीपो पे, फीपो पे पूछ चुका है, वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, नहीं पूछना चाहिए, पर पढ़ के तो जाना है सब चीज, तो एक क्वेश्चन फीपो पे प्रैक्टिस कर लेना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, बस स्कैनिंग कर लेना। फिर उसके बाद वेटेड एवरेज, इस पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने टिक किया है, वेटेड एवरेज पे क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा देख लेना है ना। उसके बाद आते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी पे, कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, सब क्वेश्चन लगभग सेम ही वैरायटी है। ठीक, इलस्ट्रेशन 6 ये देख लो, या फिर सबसे बढ़िया है पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन देख लो, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा देख लेना, माई 19 का है ये। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या है, सर प्रोबेबिलिटी है वेटेड एवरेज पे क्वेश्चन आने का, या फिर सेकेंड ऑप्शन में बोलू तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी, वेटेड एवरेज का चांसेस ज्यादा है। अच्छा, अगला देखो कॉस्ट शीट, इसमें भी मुझे बताने वाला है सच कुछ नहीं है, कॉस्ट शीट में क्या है तो कॉस्ट शीट का एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में ताकि बोलेगा कॉस्ट शीट निकालो, या फिर सेलिंग प्राइस निकालने को बोलेगा, या फिर बोलेगा कि स्मॉल स्मॉल पार्ट की प्राइम कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। ठीक है, फॉर्मेट याद है, सब बन जाएगा कॉस्ट शीट का, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, जैन 21 में आया था, मई 21 में भी आएगा, इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेरे बताने लगा ऐसा कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, अगर क्वेश्चन टिक करना हो कॉस्ट शीट का, आओ जरा एक दो क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। ये नवंबर 20 अच्छा क्वेश्चन आया था, ये मार्क कर लेना, आपको बस फॉर्मेट पे याद ही तो करना है, कॉस्ट शीट के फॉर्मेट पे रिवीजन होनी चाहिए, है कि नहीं। दूसरा नवंबर 19 ये भी देख लेना, ऑलमोस्ट तो हमने रिवीजन लेक्चर में ही कवर कर लिया होगा, आई थिंक यही दो मैंने टिक किया है। कॉस्ट शीट में देखो ना, अलग से बहुत कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, उसी को तोड़ मरोड़ करके पूछेगा, एक चीज देगा दूसरा नहीं देगा। ठीक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे आते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का भी वो जो दो चैप्टर को जिसको मैं लग रहा है ना कि नहीं आ सकता, वो है पहला यूनिट एंड बैच एंड दूसरा ज्वाइंट एंड बाई, ये दो चैप्टर है। जिसमें मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी कम है ज्वाइंट एंड बाई कॉस्टिंग एंड यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, इससे शायद क्वेश्चन ना आए। ठीक है, चलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, आता भी है। पिछले अटेम्प्ट में क्या आया था जेन 21 में, तो सर 5 के बी में आया था 10 मार्क्स, सर फिक्स ओवरहेड वेरियंस एंड वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस निकालने। अब अगर क्वेश्चन आता है तो चांसेस क्या है, मटेरियल का एक्सक्लूसिव आ सकता है कि सारे मटेरियल वेरियंस निकालिए, एक दो लेबर का देख लेना, लेबर का एक्सक्लूसिव आ सकता है
कि लेबर कॉस्ट वेरियंस निकाले सारा, या फिर एक मिक्स इक्वेशन आया, एक दो मटेरियल का वेरियंस, एक दो लेबर का वेरियंस और उसी में एक फिक्स ओवरहेड का वेरियंस, ठीक। तो तीन वेरायटी बनते हैं, इन्हीं तीन वेरायटी में से कोई एक वेरायटी में क्वेश्चन आने चाहिए। कुछ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने को मैं बोलूं तो आप अच्छा क्वेश्चन है नवंबर 19 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, मटेरियल का जो नहीं बोल रहा हूँ, एक्सक्लूसिव मटेरियल पे एक ये क्वेश्चन देख लेना और एक ये क्वेश्चन देख लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एडिशनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन दिया है दिया है मैंने नीचे, ठीक। वैसे ही लेबर पे, लेबर पे ये क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया था, ये क्वेश्चन देख लेना, ठीक। लेबर पे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है, किसी बच्चे की क्वेरी आई थी तब हमने किया था ये क्वेश्चन, आपको याद होगा तो, ठीक है। चलो तो दो लेबर पे एक्सक्लूसिव क्वेश्चन देख लेना, हाँ एक ये भी देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडिशनल क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 लेबर का। फिर आते हैं वेरिएबल, फिक्स, इन पे एक्सक्लूसिव आना है, बड़ा कम चांस है क्योंकि पूछ चुका है, मिक्स पे आ सकता है। चलो तब भी एक क्वेश्चन आप टिक कर लो नवंबर 20 का, कि आपको रिवीजन हो जाए, है ना, याद हो जाए। ये एडिशनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये जरूर करना, ठीक है, दिख रहा है। मिक्स वैरायटी में क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें सारे वेरिएंस पूछा है, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर देखना, सॉल्यूशन है, आपको बस स्कैनिंग करना है, ठीक है। चलो आई थिंक इतना ही क्वेश्चन मैंने टिक कर रखा है, ठीक है। अगले चैप्टर पे आते हैं सर्विस कॉस्टिंग पे। देखो सर्विस में ना हॉस्पिटल पे क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, मुझे जहां तक प्रोबेबिलिटी लगती है क्वेश्चन पूछने का, एक तो ट्रांसपोर्टेशन पे और दूसरा होटल पे, अगर हॉस्पिटल पे पूछ चुका है तो। एंड पता है आपको यूनिट में मैंने पढ़ा था इक्विवेलेंट यूनिट के क्वेश्चन, कंपोजिट यूनिट के क्वेश्चन एंड इंडिविजुअल यूनिट के क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा, है कि नहीं, ठीक। अगर क्वेश्चन आता है तो इक्विवेलेंट यूनिट पे, इक्विवेलेंट मतलब अगर होटल में होगा तो याद है ऑफ सीजन में कम चार्ज करते हैं, जहां फेयर अलग हो तो इक्विवेलेंट यूनिट का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक। कंपोजिट का मतलब क्या, टन किलोमीटर, है कि नहीं, पैसेंजर किलोमीटर, जहां दो यूनिट का प्रोडक्ट में हम निकाल रहे हैं, ठीक, और पैसेंजर पर किलोमीटर, ठीक। तो कंपोजिट यूनिट पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ पे रूम डे पूछ ले होटल में, है कि नहीं, कंपोजिट यूनिट पे भी पूछ सकता है, इक्विवेलेंट यूनिट पे भी पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और होटल एंड ट्रांसपोर्टेशन चांसेस है कि इनमें से कोई एक पूछेगा। आ जाओ अगर हम टिक करते हैं, पहला क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का ही है, क्वेश्चन नंबर 4 टिक कर लो, इक्विवेलेंट पे है, ठीक है। इक्विवेलेंट पे आरटीपी पे क्वेश्चन आया था, इस बार आरटीपी मैंने जब कराया था आपको क्वेश्चन का, तो इक्विवेलेंट यूनिट का क्वेश्चन था, आपको याद होगा, ठीक। तो इक्विवेलेंट पे ऐसे भी चांसेस बनते हैं ज्यादा, ये जो भी ग्रीन से टिक है ना, ये सारे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं रिवीजन लेक्चर में, ये लो। पैसेंजर किलोमीटर कंपोजिट यूनिट पे क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन का ये देख लेना, एक एडिशनल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना, ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। फिर आता है होटल, होटल में भी चांसेस है, मैं बोल रहा हूँ कि भी होटल का पूछ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन और होटल, इन्हीं दोनों में से एक पूछना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करो, ये देख लेना,
आई थिंक मैंने इतना ही टिक कर रखा है, ठीक है, मुझे जो प्रोबेबिलिटी लगती है मस्ट डू लिस्ट में मैंने इतना ही टिक कर रखा है। चलो अगला है जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। देखो नवंबर 20 में इससे क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था, नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेशन, तो बताओ नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करके, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है कि जॉब कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछे, ठीक, जॉब कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन भी मैंने मार्क कर रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा देख लेना। जॉब कॉस्ट शीट बनाने को बड़ा सिंपल सा आएगा, एक जॉब आया उस पर कितना मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है, कितना ओवरहेड लग रहा है, सारा चार्ज करके जॉब कॉस्ट निकाल दो, है कि नहीं। प्री डिटरमाइंड एक क्वेश्चन है, ये बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, पास्ट में एक बार आया भी था जॉब कॉस्टिंग पे, तो इसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके सेम बस फिगर चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, ये एक क्वेश्चन देख लेना जॉब कॉस्टिंग का, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है जॉब कॉस्टिंग से है। एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से भी आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आ चुका है तो नहीं आएगा, तो 2-3 कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन मार्क कर लो, जो मुझे लगता है करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रिविजन हो जाएगी। एडिशनल क्वेश्चन, नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेशन में एडिशनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर करना है, ठीक है। आपको पता है आपको एग्जाम में यहीं तक पूछेगा नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसके बाद पीएल में कितना जाएगा, ठीक। ये तो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये पुराने सिलेबस में आया हुआ क्वेश्चन था, पहले कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सिर्फ नोशनल प्रॉफिट नहीं पूछता था, वैल्यूएशन नॉर्म्स में भी वो बोलता था कि बताइए WIP रिजर्व कितना होगा, कॉस्टिंग पीएल में कितना जाएगा। अच्छा एस्टिमेटेड प्रॉफिट का भी एक क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लेना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने का, ठीक, हो सकता है पूछे एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल के बताओ, नोशनल प्रॉफिट एंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ठीक। नोशनल प्रॉफिट यहीं तक करना है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये पुराने सिलेबस वाले बच्चे के लिए ये इतना ही स्टेप में काम चल जाएगा आपका, ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट में सिर्फ आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालना है, ये सब करने की जरूरत नहीं है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालने के बाद कितना प्रॉफिट पीएल में जाएगा ना, ये नए सिलेबस में नहीं पूछता, ठीक। सिर्फ एस्टिमेटेड प्रॉफिट एंड नोशनल प्रॉफिट का कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेना, इससे जो नीचे क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर एक एक्सक्लेमेशन क्लॉज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी देख लेना, ठीक है। आपका वही है इलस्ट्रेशन 7 है इंस्टीट्यूट का बुक का, पूछा हुआ क्वेश्चन है एक्सक्लेमेशन क्लॉज भी पुराने वाले बच्चों को एग्जाम में, ठीक है। अच्छा ये जो क्वेश्चन है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, मुझे लगता है इससे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, इस बार नहीं आएगा, जो चैप्टर छोड़ सकते हैं उसमें ये इंस्टीट्यूट चैप्टर छोड़ेगा, ठीक है। वैसे आता भी तो इसमें एक ही तो वैरायटी का जनरली क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का क्वेश्चन, छोटा से फॉर्मूला है कि नहीं। आप देख के जाना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्मॉल कॉन्सेप्ट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 5 मिनट का, देख के जरूर जाना, पर इससे क्वेश्चन आने के मुझे लगते हैं कि नहीं आएगा, ठीक। अगला है ज्वाइंट एंड बाई प्रोडक्ट, May 21 में आया था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4KA में 10 मार्क्स का ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेशन, ज्वाइंट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन आया था, ठीक। इसमें दो ही है, ज्वाइंट कॉस्ट का, ठीक है, एंड बाई प्रोडक्ट का, ज्वाइंट प्रोडक्ट का एंड बाई प्रोडक्ट का, ठीक है। ज्वाइंट प्रोडक्ट में हमने देखा था फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पे, यूनिट के बेसिस पे बांटना, सेल वैल्यू अप एट स्प्लिट अप, NRV है कि नहीं, और भी कंट्रीब्यूशन, कॉन्स्टेंट मार्जिन मेथड है कि नहीं, बट चांसेस मुझे लगते हैं कम है इससे आने का, बट स्टिल एक क्वेश्चन ऐसे टिक कर लो, देख लेना आप। वैसे एक क्वेश्चन मैंने इसको मार्क नहीं कर रखा है, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैंने मार्क नहीं कर रखा है, ठीक। एक क्वेश्चन देख लेना जिसमें 2-3 जो भी हो, ज्वाइंट कॉस्ट अपोर्शनमेंट क्या पूछा हो, कि फिजिकल यूनिट के बेसिस पे सेल वैल्यू आप एट स्प्लिट ऑफ NRV के बेसिस पे, वैसे टाइप का, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ज्वाइंट एंड बाई से क्वेश्चन आने का इस बार। आ जाओ जरा लास्ट है अपना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जैन 21 में आया नहीं था, इस बार तो आएगा आएगा,
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ज्वाइंट एंड बाई एंड यूनिट एंड बैच छोड़ के ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, सब चैप्टर, ठीक है। अब देखो इसमें जर्नल एंड लेजर आ सकता है या फिर रिकॉन्सिलेशन आ सकता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो एक जर्नल का भी क्वेश्चन एक दो देख लेना, लेजर का भी एक दो देख लेना और रिकॉन्सिलेशन का भी एक दो देख लेना, है कि नहीं। जर्नल पढ़ाते टाइम मैंने कॉम्पेरेटिव फॉर्म में पढ़ाया है कि नहीं, अगर आपको मेरा रिविजन लेक्चर देखा हो तो, कि सेमी कंडीशन में इंटीग्रल में जर्नल क्या पास होगी, नॉन इंटीग्रल में जर्नल क्या पास होगी। लेजर पढ़ाते टाइम मैंने नॉन इंटीग्रल का पढ़ाया और इंटीग्रल में बोला जहां जहां ये है वहां वहां ये चेंज कर दो, है कि नहीं। तो जर्नल लेजर तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने पढ़ा रखा है, ठीक। अगर आपने रिविजन लेक्चर नहीं देखा है तो देखना वहां पे, ठीक। एंड रिकॉन्सिलेशन वो तो उससे भी आसान है। चलो कुछ क्वेश्चन मार्क कर लो। जो भी ग्रीन से टिक है सारे क्वेश्चन हमने करे थे, ठीक। चलो ये क्वेश्चन कर भी रखा है रिविजन लेक्चर में, बट स्टिल जर्नल का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नॉन इंटीग्रल में जर्नल पास करके बताओ, देख लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना। दिग्गया कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर कितना है, 16 पे। फिर इंटीग्रल में आ गए, इंटीग्रल में भी एक जर्नल एक लेजर का क्वेश्चन देख लेना। जर्नल में आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 1 एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, है ना। उसके बाद चलो कोई नहीं, लेजर मैंने टिक नहीं किया, एक लेजर का भी उससे नीचे लेजर का क्वेश्चन एक देख लेना, ठीक। या फिर लेजर तो आपको इंटीग्रल नॉन इंटीग्रेटेड में आ रहा है, तो इंटीग्रेटेड में क्या चेंज करना है, बैंक क्रेडिटर डेटर यही यही चेंज करना है बस, जब जब खर्चे पे हो रहा है या आउटस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं, छोटा सा चेंजेज है। वो तो आपको रिविजन लेक्चर में वेरी बेसिक, कि अगर रिविजन लेक्चर आपको पता है तो जर्नल लेजर आपको एकदम आसान लगेगा। रिकन्सिलेशन, चलो रिकन्सिलेशन में देखो एक तो ऐसे क्वेश्चन होता है कि इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल में जो रिकन्सिलेशन आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो एक क्वेश्चन होगा कि आपको प्रॉफिट खुद ही वो निकाल के देगा कॉस्ट अकाउंटिंग का और रीजन ऑफ डिफरेंस। एक होगा आपको पहले प्रॉफिट निकालने हैं फिर रिकॉन्सिलेशन करना है, दोनों वेराइटी का आप देख के जाना। इलस्ट्रेशन 9 आपको देखना है, ठीक है। और उसके बाद ये टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। उसके बाद ऐसे टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जहां पे आपको कैलकुलेट नहीं करना है, ऑलरेडी दिया है बस रिकॉन्सिलेशन करना है। तो मई 19 का क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। और भी नीचे क्वेश्चन है, मैंने एक टिक किया हुआ है, मिनिमम उतना तो देखना ही देखना है आप, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन एक 3 क्वेश्चन मैंने रिकॉन्सिलेशन का टिक करा है, बस वही याद रखना है कि कुछ ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रॉफिट पहले निकालो कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट अनुसार तब रिकॉन्सिलेशन करो। इससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन टिक किया एंड एक कि आपको रिकन्सिलेशन के लिए बता देगा कि किस किस वजह से अंडर ओवर चार्ज या खर्चे प्रॉफिट दे देगा कॉस्टिंग का, बोलेगा फाइनेंशियल का प्रॉफिट निकालो या फाइनेंशियल का प्रॉफिट से कॉस्टिंग का प्रॉफिट निकालो, ठीक है। चलो होप करता हूँ कि इस पैटर्न में आप पढ़ोगे और आपकी 1 डे बिफोर एग्जामिनेशन में कवर्ड हो जाएगा ये सारी चीजें, प्रोवाइडेड की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो और रिविजन लेक्चर से कॉन्सेप्ट एकदम टिप्स की होनी चाहिए तभी जाके कवर्ड हो, ठीक है। दीज आर द मिनिमम लिस्ट क्वेश्चन, इसके बाहर आपको टाइम निकालना है और भी कुछ क्वेश्चन को देखना है, जितना ज्यादा क्वेश्चन देखोगे उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक। चलो